अस्सलामुअलैकुम, आज है 30 जून 2022 और एक दफ़ा मैं फिर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। बाल बिल्कुल उड़े हुए मेरे, क्योंकि अभी करीम की बाइक पर मैं इधर पहुँचा हूँ और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी आज लाहौर में, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल्स काफ़ी हाई हैं, पसीना आ रहा है। ये जो ट्रेन लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है, ये 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस है और मेरे आज लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने का की जो वजह है वो ये है कि मैं लाहौर से रावलपिंडी ट्रैवल कर रहा हूँ और जिस ट्रेन का मैंने आज इंतखाब किया है वो कोई और नहीं, 103 अब सुबक खराम एक्सप्रेस है। जैसा आप जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले ही सुबक खराम एक्सप्रेस का प्राइवेटाइजेशन हुआ था और मैंने उसका इनॉग्रल रन भी कैप्चर किया था। आज मैं इसमें दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह रावलपिंडी से 8 डाउन तेज़गाम भी प्राइवेट हो रही है और उसका इनॉग्रल रन कैप्चर करना है, रावलपिंडी से उसमें ट्रैवल भी करना है। तो ये वजह है जनाब आज मेरे लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने की। पाक बिजनेस तकरीबन निकल गई है प्लेटफॉर्म से और मैं भी जाऊंगा 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहां 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस मौजूद है। आप भी कहेंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में दोबारा से 103 अब। आज के सफ़र में मैं ये भी देखूंगा कि जो NCS कंपनी है उनकी जो बुकिंग थी इनॉग्रल रन के वक्त वो ऑनलाइन नहीं हो रही थी, तो अब चेक करूंगा कि उसका क्या हाल है, लोग आसानी से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं या नहीं, और कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से भी पूछूं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उन्होंने क्या फ़र्क महसूस किया है इस गाड़ी में। तो चलें चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3, 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से वॉक करता हुआ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रहा था तो एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईदुर रहमान। सईद भाई जी। जी सर। कैसी ट्रेन है ये? सर बिल्कुल परफेक्ट है, कभी कभी लेट कर देती लेकिन अब इनकी सर्विस अच्छी होगी काफ़ी। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, आप जो है वो रेगुलर इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप बता रहे थे आपका कोई बिजनेस वगैरह है। जी, मैं रेगुलर सफ़र करता हूँ। तो जब से ये प्राइवेट हुई है आपने कितनी दफ़ा सफ़र किया? 2 दफ़ा इस पर टूर कर चुका हूँ। तो क्या आपने महसूस किया, क्या सर्विसेज चेंज हुई हैं? बिल्कुल अच्छी सर्विसेज है इनकी, जो सर्विसेज में शामिल है इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, कंप्रोमाइज है, रिजर्वेशन इनकी जो ऑनलाइन सिस्टम था वो भी अब बहाल हो चुका है, कस्टमर 100% सेटिस्फाइड। तो आपने ऑनलाइन टिकट इसकी कैसे करवाई? जी जी, इनकी वेबसाइट है ncsrail.com से, वहाँ पर आप अपने आप को लॉग इन करें, रजिस्टर अकाउंट करवाएँ और वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं इसकी सुबह खत्म। तो जनाब ये स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा होगा ncsrail.com, ये इनकी वेबसाइट है और वहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें, आप सुबह खराम एक्सप्रेस की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक और ट्रेन है तेज़गाम जो कल से प्राइवेट होगी, उसकी बुकिंग भी आप ncsrail.com से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेन हैं जो पाइपलाइन में NCS के पास जाने के लिए, शालीमार एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और इसके अलावा भी मूसा पाक एक्सप्रेस, ये भी इनके पास बहुत जल्द जाएगी। तो फ़िलहाल आप ncsrail.com पर सुबह खराम और तेज़गाम इन दोनों की बुकिंग बग़ैर किसी परेशानी के कर सकते हैं और पेमेंट मेथड है इजी पैसा के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो सईद भाई कौन सी क्लास में आज आप जा रहे हैं? मेरी बिजनेस क्लास। और कहाँ तक जाएंगे? मैं गुजरांवाला। कितना किराया आपका लाहौर से गुजरांवाला बिजनेस क्लास? 400 इनके चार्जेस हैं लाहौर से गुजरांवाला। सही, तो चलें चलते हैं, बैठते हैं अपनी ट्रेन में। इस वक्त मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और 3 इसके दरमियान खड़ा हुआ हूँ। सामने आपको जो पोस्ट नज़र आ रही है ये पहले इधर इलेक्ट्रिक सिस्टम था, फाल था और इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती थी खानेवाल से लाहौर तक, तो ये उसकी पोस्ट है। अफसोस ये है कि अब ये ख़त्म हो चुका है। सामने जो ट्रेन खड़ी है ये 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस है
और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर होती है। पहले इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना किया जाता था, जहाँ पहुँचना आसान है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 ज़रा दूर है, काफ़ी चलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इसको 2 या 4 से ही रवाना करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी ट्रेन है, तकरीबन प्रीमियम कहलाने के लायक है। तो ज़रा बेहतर अप्रोच देनी चाहिए पैसेंजर्स को। चलते हैं, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म और घूम के दूसरी तरफ से 3 नंबर आएगा। तो चलें, चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी सुपर डिलक्स कोच के सामने मौजूद हूँ। चलते हैं, इधर गर्मी बड़ी लग रही है, और ठंडी ठंडी कोच में अपना सामान रख के और फिर लोकोमोटिव देखने के लिए चलते हैं। सुपर डिलक्स कोच का इंटीरियर, और काफ़ी लग्जरी कोच है ये। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तान रेलवेज की सबसे अच्छी कोच कहलाई जाती है। अभी टाइम कम रह गया, 10 मिनट, मैं भाग भाग के जाता हूँ लोकोमोटिव के पास, देखता हूँ आज कौन सा लोकोमोटिव है। वॉक करता हुआ मैं लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बिल्कुल फ्रंट पे आ गया हूँ, और सामने लाहौर जंक्शन का बी कैबिन भी नज़र आ रहा है। ये लाहौर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। नॉर्मली ये इसकी डायरेक्शन इस तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ है। 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस को आज लीड कर रहा है ZCU 20604। ये चाइना का लोकोमोटिव है, चाइना से इंपोर्टेड है, और बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। ख़ास तौर पे जो ZCU 20 हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ZCU 30 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आज हमें लीड करेगा ZCU 20604, देखते हैं आज इसकी कैसी स्पीड रहती है, और मैक्सिमम कहाँ तक, कौन सी स्पीड तक हम टच करते हैं। ZCU 20604, आपको दिखाऊं कौन सी कंपनी का ये बना हुआ है और कौन से साल में इंपोर्टेड हुआ है। CSR जियांग को लिमिटेड, मेड इन चाइना, 2013। इसके अलावा जो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 5500 लीटर है, और मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा। मौसम ने एकदम से पलटी खाई है, और हवा बहुत ही ज़बरदस्त चलने लगी है। सारी गर्मी का जो जोर था वो टूट गया है, क्योंकि हवा की तासीर ठंडी है, यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल ब्रीज। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि बारिश हो जाए, कहीं रास्ते में हमें बारिश मिले, क्योंकि आज हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं लाहौर में, और जो वेदर फोरकास्ट थी वो भी यही कह रही थी कि 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, इनको बारिश मतवक्का है। तो चलें, देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। जी, कोई लिफ्टर नहीं है। क्या हाल है जनाब जी? लाहौर से 4:42 पर ट्रेन रवाना हो चुकी है, तकरीबन 12 मिनट लेट हुई है ट्रेन डिपार्ट, और उसकी वजह ये है कि कुछ रेलवे एम्प्लॉयज़ एहतजाज कर रहे थे और ट्रेन को रवाना नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उनकी, जब से ये ट्रेन प्राइवेट हुई है, उनकी जो फ्री ट्रैवल की ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है, ड्यूटी पास जिस भी रेलवे एम्प्लॉय के पास होगा वो अभी भी इसमें ट्रैवल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट एज़ पर रेलवे पॉलिसी, लेकिन जो विदाउट ड्यूटी पास
या विदाउट पास जो लोग ट्रैवल करते थे सिर्फ अपना कार्ड दिखा के पहले, वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है प्राइवेट होने के बाद। तो ये एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी, अब इसमें आप ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। 6429 कुछ फ्रेट कोचेस की शंटिंग में मसरूफ़ है। ट्रैक चेंजिंग की खूबसूरत आवाज़ें, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का यार्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त और कम्प्लेक्स है, लेकिन जो इसमें थोड़ा बहुत गारबेज और कचरा वगैरह नज़र आता है उससे इसकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर उसको थोड़ा सा इग्नोर करके देखें तो यार्ड बहुत खूबसूरत है। एक खूबसूरत कर्व लेते हुए ट्रेन, चलें अब चलता हूँ थोड़ी देर और। एक मोटर ट्रॉली गुजर रही थी, मैंने कहा आपको जाते जाते उसका भी थोड़ा सा व्यू दिखाता चलूँ। अब जाता हूँ वापस अपनी कोच में और बैठता हूँ। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जिस दिन NCS के अंडर इसका इनॉग्रल रन था 103 अप का, उस दिन सीटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो, क्योंकि उसमें डबल बुकिंग हुई हुई थी, यानी मेरी सीट पे कुछ वो लोग पैसेंजर्स बैठे थे जिन्होंने रेलवे की कमर्शियल मैनेजमेंट की टिकट कराई थी। तो ये छोटा सा मिसहैप था पहले दिन, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आया और मेरी सीट बिल्कुल वैकेंट थी और मैं जाके उस पर अपना सामान रख दिया। अब जाके उस पर बैठता भी हूँ, थोड़ा सा एसी में अपना पसीना सुखाता हूँ, फिर दोबारा से बाहर आऊँगा आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाने। रावी से गुजरने के बाद शादरा रेलवे स्टेशन आया है और वहाँ से PLC लेने के बाद अब पास कर रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ पार्लर कार की अंदर ही मौजूद एक छोटी सी पेंट्री कार में, जहाँ खाना तैयार किया जा रहा है। तो नॉर्मली मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था जो एक प्लेटर मिलता है जिसमें एक रोस्ट होता है, फिंगर चिप्स होते हैं, तो वो यहीं तैयार किया जाता है, ताज़ा होता है बिल्कुल। ये भी आप देख लें बिल्कुल फ्रेश उसको फ्राई किया जा रहा है। सर ज़रा सा ये चिकन पीसेस हैं जनाब, ज़रा उसके ऊपर निकाल के दिखाएंगे। गर्मा गर्म ब्रोस्ट तैयार हो रहा है, फ्रेंच फ्राइज। ये हमारे कुक साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर थोड़ा तेज़ बोलना है आपने जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ये बताएं, ये ब्रोस तैयार कर रहे हैं आप, क्या इसकी कोई जो रेसिपी है, मतलब जो तरकीब है जी जी, वो किसकी इजाद करता है? सर जी हम इसको धोते हैं और धो के उसके बाद वो बैल करते हैं, वो बैल करके उसके बाद इसको ठंडा करके मसाला लगाते हैं। मसाले में वो मैदा होता है, लाल मिर्ची,
और धनिया वगैरह जमैन वगैरह ये कुछ इसको लगा कर रखते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। चलें ज़बरदस्त। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि थोड़ा सा हाइजीन का भी ख्याल करें, आपने कैप ज़रूर पहननी है, ठीक है, क्योंकि जब खाना पक रहा होता है उसमें बाल गिरने का डर होता है, तो वो जितना ज़्यादा सफाई का आप ख्याल करेंगे आपकी सेल इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। चलें लें जनाब, साधो के रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन और यहाँ पर इसको हमें लूप लाइन जॉब साइड की लूप लाइन है वहाँ पर ले लिया गया है। क्रॉस अरेंज हुआ है इधर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से। इत्तफाक की बात है आज ही मैंने जो है वो साधो के रेलवे स्टेशन का व्लॉग अपलोड किया था। 24 जून 2022 को मैं इधर आया था और बहुत अच्छी यादें इधर से लेके गया था, तो आज सिर्फ 6 दिन बाद इधर दोबारा आना हो रहा है। और जब मैं इधर आया था तब भी 14 डाउन नहीं क्रॉस किया था 7 अप तेज़गाम को, और आज हमारी 103 अप को 14 डाउन क्रॉस करेगी। वाह, सब कुछ कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। देखते हैं भाई इधर स्टेशन मास्टर साहब कौन है। स्टेशन मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम सुफयान भाई, क्या हाल चाल? कैसे हैं जहीर भाई? 6 दिन बाद ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी, क्या ही बात। मैं आज ट्रेवल कर रहा था 103 में, दे दिया है जी 14 डाउन को आपने थ्रू। जी 14 डाउन का एडवांस हमारा डाउन हो गया है, इंशाल्लाह वो चली जाएगी चलती चलती और इसके भी इंशाल्लाह डाउन करवाने लगे। चले मैं ज़रा 14 डाउन को कवर कर लूँ। जी इंशाल्लाह। ले जी स्टेशन मास्टर साहब से भी मुलाकात हो गई इधर, अब देखता हूँ अगर जगह है तो दूसरी तरफ पहुँचूँ, 14 डाउन कहीं पहले निकल ही ना जाए। काम आज से फिर आ गया आप? हाँ जी। फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस हिटाची 8316 के साथ, इसको भी लूप लाइन पर ले लिया है इधर। यार ये कहीं वही तो नहीं हो रहा, शायद 5 अप को इधर ओवरटेक कराएं। देखते हैं भाई दोनों को लूपिंग पर क्यों लिया है, या फिर शायद दोनों एक ही ब्लॉक सेक्शन में थी इस वजह से लूपिंग क्रॉस करवाया है और अब हमें रवाना किया जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। नहीं जनाब ये लूपिंग क्रॉस ही था। ये भाई इन्होंने पत्थर उठा के सामने वाली ट्रेन पे मारा, तो आई डोंट नो के ये किस किस्म के इथिक्स हैं। अभी तो मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं कि लड़ाई ना हो जाए, बहरहाल इस तरह की चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए। तेज़गाम के लिए जा रहे हैं और सब ठीक ठाक। कैसी जा रही है ड्यूटी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। पहले दिन से अगर कंपेयर करें? सर पहले दिन से कंपेयर करें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले दिन तो 50% फ्री वाले थे, अभी तकरीबन 5% 10% वो भी कवर हो जाते हैं बीच। अच्छा जी सर, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ट हुआ है, मतलब पहले दिन से आप कंपेयर करें
तो अब आप कितनी कॉन्फिडेंटली ड्यूटी कर रहे हैं? सर बहुत इजी हो गया, पहले दिन थोड़ा सा आपको पता हर बंदे को होता है, लेकिन हमें पहले दिन भी इतना इशू नहीं हुआ था, तो अभी तो बिल्कुल इजी है, कोई ऐसे इंजॉय वाला माहौल है। सही। और वो पैसेंजर जो है बहुत खुश होते हैं। अच्छा ये बताएं आज का मौसम कैसा है? इकॉनमी में ड्यूटी करने में मुश्किल तो नहीं हो रही? इकॉनमी में ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए ठीक है। ये जी साधो के रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए लूप लाइन से मेन लाइन पर आ रहे हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, मेरा जो साधो के रेलवे स्टेशन का व्लॉग था उसमें किसी ने कहा था कि आपने यहाँ के कैबिन्स नहीं दिखाए, तो जनाब चलें आपको अभी दिखा देता हूँ कैबिन। उस दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और आपको पता है कैबिन तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होता है, तो इतना चल के आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस दिन। इस सेक्शन पे मतलब लाहौर गुजरांवाला के दरमियान ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर इसी तरह के कैबिन्स बने हुए हट टाइप के, बाकी ज़्यादातर जगहों पे जो डबल मंजिला कैबिन्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन मुरीद के साधो के कामों के पर अमीनाबाद पर इसी किस्म के कैबिन्स हैं। सामने खेतों को तैयार किया जा रहा है नई फसल के लिए, और ये जो सामने पानी का गड़ा नज़र आ रहा है यहीं पर वो मशहूर साधोके के सिंगाड़े उनकी पैदावार होती है। जब बारिशें होंगी इसमें पानी भर जाएगा तो फिर जो सिंगाड़े हैं ट्रैप नट उसकी फसल यहाँ पर उगेगी। बहुत ही खूबसूरत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा। आज तो अगर जिसने मेरे ख़्याल में इकॉनमी क्लास का भी टिकट लिया है वो भी इजी होके ही सफ़र कर रहा होगा। सर जी क्या कर रहे हैं पहले तो ये बताएं। सर हम सर्विस कर रहे हैं, ये लेग पीस वगैरह लेके जा रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं। अभी ये हमने तैयार कराया है, किचन से तैयार करा के चिकन है, सैंडविच है, चिप्स है, अभी हम सर्विस कर रहे हैं गाड़ी में, जिसको चाहिए होता है 300 की प्लेट है हम सर्विस कर रहे हैं, ये और मैं दोनों सर्विस कर रहे हैं। अच्छा ये हमने सुना था कि ये लोगों के सामने ऐसे कर देते हैं, मतलब लोग समझते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सर बात इसने कि कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ भी नहीं होता, आपको भी पता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाली कुछ बात नहीं होती, असल जिसको ज़रूरत होता है वही लेता है, जो पूछते हैं उसको हम बताते हैं 300 की प्लेट है, आगे वो कहते हैं ये फ्री में तो नहीं है, हम उनको ये बताते हैं ये और पेमेंट में होता है, हर चीज़ पेमेंट में होती है, फ्री में तो कुछ नहीं होता। टिकट के ऊपर बकायदा लिखा हो फ्री हो तो टिकट पर लिखा हो, या हम आपके पास ले गए हैं आपको ये पूछते हैं चिकन वगैरह कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ चाहिए, वो कहते हैं हमें दो, फिर बाद में कहते हैं फ्री में, हम तो उनको बताते हैं 300 की प्लेट है, चाय कॉफ़ी जो है 150 की है, चाय 50 रुपये की है। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है जी सर, कि जैसे ये आपने रखा है इसको अगर आप प्लास्टिक से रैप कर दें प्लेट को तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया। अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है इस वक्त। ZCU 26404 का ज़बरदस्त रन। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड अहमदाबाद को थ्रू पास करते हुए। गुजरांवाला हम पहुंच गए थे और बहुत ही खूबसूरत शाम गुजरांवाला की। अब रवाना हो रहे हैं जनाब इधर से। ये गुजरांवाला की बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है, हाल ही में कुछ सालों पहले रेनोवेट हुई है और अब इसकी ये कंडीशन है। 1288 किलोमीटर मार्कर पर है ये, कराची से इसका फासला 1288 किलोमीटर। ओके सही साहब, अल्लाह हाफिज़।
ये सईद साहब जो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिले थे। इंतहाई खूबसूरत मौसम हो चुका है गुजरांवाला से रवाना होते हुए, मज़ा आ रहा है। गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है आप अगर बाहर खुली फिज़ा में आए। आज तो अगर इकॉनमी क्लास में भी सफ़र होता तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती गर्मी। इतने खूबसूरत यार्ड हैं हमारे रेलवे स्टेशंस के, लेकिन जो ये कचरा है ये सारा लुक ख़राब कर देता है। बार बार मैं अपने व्लॉग्स में लोगों से अपील करता हूं कि सर अपने रेलवे स्टेशंस को साफ़ सुथरा रखें। वज़ीराबाद जंक्शन पहुंचने लगे और बड़ा ज़बरदस्त कर्व ले रही है ट्रेन इधर। ये राइट पर जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये वज़ीराबाद से सियालकोट वाली ब्रांच लाइन है, वज़ीराबाद सियालकोट नारोवाल ब्रांच लाइन कहते हैं इसे। बड़ा ही खूबसूरत हरा भरा यार्ड है वज़ीराबाद जंक्शन का। प्लेटफॉर्म इसका दूसरी तरफ आ रहा है तो उधर चलते हैं। ये क्या है नज़ाकत साहब, चाय ले आए? चलें बहुत शुक्रिया सर। नज़ाकत साहब से आप पिछली वीडियो में मिले होंगे जो इधर के कैटरिंग मैनेजर हैं और मेरे लिए वज़ीराबाद जंक्शन पर स्पेशल चाय लेके आए हैं। चलें इसे भी ट्राई करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। वज़ीराबाद जंक्शन और ये चाय, मौसम तो इतना खूबसूरत बना हुआ है ऐसा लगता है किसी भी वक्त अबरे करम बरस जाएगा और मज़ीद सुहाना मौसम हो जाएगा। खूबसूरत ठंडी हवाएं। चार नंबर प्लेटफॉर्म पर रुके हैं वज़ीराबाद जंक्शन के, नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे और सामने बेंच पे बैठ के चाय को एंजॉय करते हैं। ये रही जी बेंच, ये हमने रखी इधर, अब पीते हैं चाय। सुहानी शाम, सुबह खराम और ये चाय। जस्ट लाइक एज आई वॉन्टेड। कहते हैं कि ट्रेन की चाय मज़ेदार नहीं होती लेकिन ये तो वाकई मज़ेदार है। अब ये नहीं पता कि शायद स्पेशल चाय बनाई है या नॉर्मल रूटीन में ही ऐसी होती है, लेकिन बहुत अच्छी है वाकई में। कड़क चाय जैसे कराची वाले पसंद करते हैं, मैं खुद नेटिव कराची का हूँ तो इस तरह की कड़क चाय पसंद करता हूँ, मज़ेदार।
बेहतरीन। वजीराबाद जंक्शन से रवाना हो चुके हैं और इधर फैसलाबाद से आने वाली 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस भी पहुंच गई है। हमारी ट्रेन रवाना हो रही है, सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी भी है, जबकि दूसरी तरफ वाले प्लेटफॉर्म पर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो बड़ा बिजी जंक्शन है ये वजीराबाद जंक्शन, तीन तीन ट्रेनें एक साथ हैं और मैं अब आ गया हूँ गार्ड साहब की कोच में सबसे पीछे, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, जो गार्ड साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे। मेरे पिछले 103 अब के सफ़र में आपने लोकोमोटिव की कैब से सफ़र देखा था और आज वाले सफ़र में बिल्कुल एंड वाली कोच में गार्ड साहब के साथ मैं ट्रैवल करूंगा, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा ये। यहाँ से रवाना होते हैं और देखते हैं फिर। अक्सर ट्रेन जब स्टेशन से रवाना होती है तो आपने बिल्कुल आखिरी कोच में जो गार्ड साहब होते हैं उन्हें हरी झंडी लहराते हुए देखा ही होगा, तो आज उसी कोच में मैं मौजूद हूं और गार्ड साहब भी मेरे साथ हैं। इस वक्त गैमन लेक से गुजर रही है ट्रेन, बड़ी खूबसूरत गैमन लेक है। कुछ ही देर में दरियाए चनाब भी हम पहुँचेंगे, तो जब तक दरियाए चनाब आता है गार्ड साहब से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम है फैसल मजीद। फैसल साहब, ज़रा गार्ड जो इंचार्ज गार्ड होता है इसकी ड्यूटी के बारे में बताएं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक्चुअली ट्रेन में जो इंचार्ज गार्ड होता है पूरी ट्रेन का एज इंचार्ज ड्यूटी करता है, जैसे शिप में या प्लेन में कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ट्रेन में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गार्ड की हैं। तो गार्ड का सेफ्टी से भी ताल्लुक़ है, पंक्चुअलिटी से भी ताल्लुक़ है और ट्रेन के अंदर जितना भी स्टाफ काम कर रहा होता है वो गार्ड की सुपरविजन में काम करता है। सर मैंने जब भी कैब में ट्रैवल किया है जब तक गार्ड राइड का सिग्नल नहीं आता ट्रेन नहीं चलती है, तो आप क्या चीज़ देख के गार्ड राइड का सिग्नल देते हैं? एक्चुअली ड्राइवर जो होता है वो हमसे परमिशन टू स्टार्ट मांगता है, तो गार्ड जो होता है वो गार्ड अपनी सारी ट्रेन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट फुलफिल करने के बाद जब वो देखता है कि ट्रेन अभी चलने के काबिल है और कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो गार्ड ड्राइवर को अलाउ करता है टू स्टार्ट द ट्रेन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेशन। अच्छा सर, ये जो गार्ड वैन होती है इसमें ये ब्रेक सी लगी होती है, इसे गोल सा लेवर होता है, ये तो ये हैंड ब्रेक, इसको हैंड ब्रेक बोलते हैं, जैसे जैसे एक मोटर व्हीकल में एक हैंड ब्रेक होती है, इसीलिए ये हमारी जो गार्ड का जो कंपार्टमेंट होता है गार्ड की कैबिन में ये हैंड ब्रेक प्रोवाइड। नाज़रीन इस वक्त दरियाए चनाब से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया गार्ड साहब ने भी कहा कि जो बैक व्यू है वो अलेक्जेंड्रा ब्रिज का कैप्चर करें, देर से किया लेकिन अच्छा ही हुआ। सर आप हैंड ब्रेक के बारे में बता रहे थे, सॉरी मेरे ख्याल में आवाज़ सही नहीं आई होगी उस वक्त क्योंकि दरिया का शोर था, दोबारा काइंडली इसके बारे में बता दें। एक्चुअली जो गार्ड की कंपार्टमेंट होती है उसमें एक हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ गार्ड इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेफ्टी से लेके पंक्चुअलिटी और अदर इशूज़ ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ भी सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो हैंड ब्रेक हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब इंजन की ब्रेक फेल हो जाए या ट्रेन को किसी जगह पे जो ग्रेडियंट पे खड़ी हो तो उसको स्टेबल करना हो, जैसे हम रोड व्हीकल्स को स्टेबल करते हैं, तो ये किसी एमरजेंसी ब्रेक है, इसको मैनुअल ब्रेक भी कहा जाता है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंचार्ज गार्ड की ड्यूटीज़ हमें बताई, तो थैंक यू सो मच। गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन, और यहां पहुंचते साथ ही सिक्स डाउन ग्रीन लाइन से क्रॉस मिल गया। सिक्स डाउन इधर वेट कर रही थी, अब रवाना हो रही है। GU20 इसकी लीड पर था, जिसको मैं थोड़ा सा लेट कैमरा ऑन हुआ है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? ये ग्रीन लाइन में जो स्टाफ काम करता है वो वेव कर रहे थे क्योंकि जानते हैं मुझे। सबसे प्रीमियम ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज की। मोस्टली इसमें CNR कोचेज हैं बिजनेस क्लास की, और सिक्स डाउन ग्रीन लाइन रवाना हुई। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अब जाता हूँ अपनी कोच में, थैंक यू। ये वज़ीराबाद से लेकर गुजरात तक का सफ़र गार्ड कोच में किया, अब ट्रेन रवाना हो गई है। चलो जी चढ़ो ट्रेन में। अब जी गुजरात से मैं वापस अपनी कोच में आ गया हूँ। इंचार्ज गार्ड साहब फैसल मजीद साहब ने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप गार्ड कोच में भी सफ़र करें, आज मौका मिल गया। सो थैंक यू फैसल साहब, आपने गार्ड इंचार्ज गार्ड की ड्यूटीज़ के बारे में बताया। तो गुजरात रेलवे स्टेशन से पास कर रहे हैं। अभी तक तो रोशनी बाकी है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगे रोशनी कब तक रहती है और कब तक हम बाहर की कवरेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में लाला मूसा तक तो रोशनी रहेगी, उससे आगे शायद अंधेरा हो जाए, तो लेट्स सी। गुजरात से रवाना हुए हैं, तो अब मज़ीद स्नैक्स आ गए हैं। ये कॉफ़ी है इस दफ़ा, बिस्किट्स और फ्रेश फ्रेंच फ्राइज, ज़बरदस्त। और ये सब जैदी साहब जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं, लास्ट टाइम आपने इनका इंटरव्यू भी देखा था मेरे व्लॉग में। सर थैंक यू सो मच। तो ट्राई करते हैं इसे। गर्मा गर्म फ्राइज़ और सफ़र में मैं कहता हूँ बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। कॉफ़ी ट्राई करता हूँ। नॉर्मली जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है वो क्या लें कि मुझ जैसे देसी बंदे को इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती, कड़वी लगती है। लेकिन जो थोड़ी सी देसी टच होता है जिसमें मतलब कम कड़वी हो, वो मुझे बहुत पसंद है। तो देखते हैं कि ये आज कैसी बनी है। जस्ट द वे आई वांटेड, कम कड़वी है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, और लगता है मुझे अब रात तक नींद नहीं आएगी ये पीने के बाद। शुक्रिया
शाम हो रही है और लाला मूसा जंक्शन हम पहुंच गए हैं और यहां के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमें रोका गया है। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, आसमान बादलों से भरा हुआ है, बिल्कुल खूबसूरत मौसम। यहाँ पर ड्यूटी भी तब्दील होगी, रेलवे पुलिस। ओ, एक बड़ा ही ज़बरदस्त दरख्त इधर नज़र आया है, आई थिंक इसको अमल तास का दरख्त कहते हैं। लाला मूसा से रवाना हो रहे हैं और मुझे लगता था 104 डाउन सुबक खराम एक्सप्रेस से इधर ही शायद क्रॉस पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे किस स्टेशन पर क्रॉस पड़ता है। मेरे ख़्याल में शायद चक पिराना रेलवे स्टेशन पर ये क्रॉस हो, लेट्स सी। बड़ा अच्छा यार्ड है लाला मूसा जंक्शन का, हरा भरा यार्ड। यहाँ की एक दफ़ा डिटेल कवरेज मैं कर चुका हूँ, जो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख चुके हैं। और यहाँ का गुड्स यार्ड भी बहुत बड़ा है, काफ़ी वर्किंग होती है इधर गुड्स की, ट्रेन्स की। सामने आपको नज़र आ रही हैं फ्रेट वैगन्स। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि क्रॉस जो अगला है वो रोशनी में ही हमें मिलेगा। चले मिलते हैं अब क्रॉस पर। बकरीद करीब है, बकरे भी इधर मौजूद हैं बहुत सारे। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला और एकदम से जो है वो खारिया कैंट रेलवे स्टेशन आ गया। मैं कहता हूँ कमाल हो गया। चक पिराना पर ये क्रॉस बनता था, लेकिन चक पिराना पर ऑयल ट्रेन खड़ी हुई थी, इस वजह से चक पिराना से पहले ही खारिया कैंट पर 104 डाउन को रोक लिया गया और फिर हमें थ्रू पास दिया गया खारिया कैंट से। तो ये था बड़ा ज़बरदस्त क्रॉस। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। अंधेरा होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो लेट्स सी। दरियाए जेलम से अभी गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में जेलम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। जेलम रेलवे स्टेशन पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस भी पहुंच रही है, तो दोनों ट्रेन्स वहां पर एक दूसरे से मिलेंगी। अभी जितनी रोशनी है उसमें आपको दरिया कम नज़र आया है, ट्रेन का रिफ्लेक्शन ज़्यादा, बट स्टिल इट वॉज रिवर जेलम। आसमान आने वाले कम है,
झेलम रेलवे स्टेशन पहुंच गई ट्रेन। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहले से इधर मौजूद थी, दरवाजे तक आते आते मैं थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल हमें जो है वो दूर वाले प्लेटफॉर्म पर रोका जा रहा है। झेलम रेलवे स्टेशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म एक ही तरफ मौजूद हैं, यानी दूसरी तरफ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब जो 103 अप के मुसाफिर हैं वो भाग भाग कर इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं। रोशनी भी बिल्कुल कम हो गई है, बहुत कम रोशनी रह गई है अब। झेलम वाह, कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है इधर, बहुत अच्छा मौसम है। 9:26 हो रहे हैं और ट्रेन अभी अभी चकलाला के खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। सामने कोई सब्सक्राइबर खड़े हैं और दूर से हाथ हिला रहे हैं, सर थैंक यू। अभी जब ट्रेन चली थी झेलम से तो इसने एक और क्रॉस किया था 108 डाउन से, और वो हुआ था काला गुजरा रेलवे स्टेशन पर। काला गुजरा रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी 108 डाउन, और हम जो हैं थ्रू पास हुए थे। अरे ये सर अपने बेटे से मिलवाने के लिए ला रहे हैं, वो हैपन्स टू बी अ फैन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत खुशी हुई इनसे मिलके सर, थैंक यू सो मच सर। काश अगर ट्रेन थोड़ी सी और रुक जाती इधर तो इनसे और मुलाकात हो जाती। अब रावलपिंडी पहुंचेगी ट्रेन थोड़ी देर में, फिर अपने सफ़र का इख्तिताम करूंगा और बताऊंगा आपको कि क्या मैंने चेंजिंग महसूस की इसके इनॉग्रल रन में, और आज जब मैं तकरीबन 10-12 दिनों के बाद इसमें दोबारा ट्रैवल कर रहा हूं तो। सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला है और बहुत अच्छा सफ़र रहा, एसी की कूलिंग बहुत तेज़ थी, मैं तो जमने लगा था। अपना लगेज लेता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये मेरी सीट थी सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम मेरे हमसफ़र। अच्छा सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच। सुबह होंगे आप लोग उधर तेज़गाम के इनॉग्रल पे? अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर फ़हीम भाई भी मौजूद होंगे, वो मुझे रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, तो चलें मिलते हैं। 9:35 हो रहे हैं और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एंटर हो गई है ट्रेन, और इसको जो यहाँ का मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर प्लेस किया जा रहा है। इसका शेड्यूल टाइम यहाँ पहुँचने का 9:35 ही है, तो बिल्कुल अपने करेक्ट वक्त, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची है, लेट बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि लाहौर से ये 10 मिनट लेट चली थी। अभी प्लेटफॉर्म का रोशनी वाला हिस्सा आया नहीं है, तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मैं कैमरे का रुख करूँगा प्लेटफॉर्म की तरफ। ये काफ़ी इशू है हमारे रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ख़ास तौर पर जो साइड्स के एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत कम लाइटिंग होती है, अक्सर लोगों को टॉर्चेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा
कंसर्न अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। ले जी, आ गया है प्लेटफॉर्म। The same old Rawalpindi railway station. फाइम भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक तो नज़र नहीं आए, शायद कहीं बैठे हों वो। पुलिस भी लाइंड अप है। भाई किधर हैं, किधर हैं, अभी तक तो वो मिल गए। सर आपको ही ढूंढ रहा था मैं। हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है सर। बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप आए। का शुक्रिया यार, मेरा तो मैं तो रोजाना ही आता हूँ। अच्छा चलें, सुबह की तैयारी है फिर फुल? बिल्कुल, हमारी तो तैयारी है, बाकी देखते हैं कि एनसीएस क्या करता है सुबह। चलें ठीक है सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइनली रावलपिंडी पहुँच गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है रावलपिंडी, इस्लामाबाद का ट्विन सिटीज़। इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल भी है और मुझे बहुत पसंद है यहाँ आना। आज खासकर यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, कहीं शायद पहाड़ों में बारिश हुई हो, तो इधर का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, रिगार्डिंग माय जर्नी ऑफ 103, अब बहुत ही जल्द मैंने दूसरी दफ़ा 103 अब में सफ़र किया है, यानी आप कह लें शायद 14 या 15 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, क्योंकि 15 को इसका इनॉग्रल हुआ था, तभी किया था और आज दोबारा। तो इतने छोटे से पीरियड में दो दफ़ा इस ट्रेन में सफ़र करके मैंने ये महसूस किया कि जो पहला दिन था उसमें थोड़ी बहुत जो मसाइल देखने में आए थे वो अब हल कर लिए गए हैं। और ख़ास तौर पर पहले दिन थोड़ा सा स्टाफ खुद कंफ्यूज लगा था, क्योंकि उनका पहला दिन था ऑब्वियसली, लेकिन अब वो भी ट्रेंड हो गए, सारे मंझ गए हैं, अपने काम को समझ गए हैं और पैसेंजर डीलिंग भी उनकी अच्छी है, तो ये देखकर अच्छा लगा। इसके अलावा सफ़र भी ठीक था। एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि जो कोचेस की हालत थी वो थोड़ी सी ब्लीक लगी, लेकिन देन अगेन जो कोचेस की मेंटेनेंस है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़िम्मे में है, उनकी ज़िम्मेदारी है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है वो उसकी देखभाल तो कर सकती है लेकिन उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं कर सकती, तो काइंडली इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। बाकी कल सुबह तेज़गाम का इनॉग्रल रन है, उसे भी एनसीएसई एक्वायर कर रही है, तो उसे कवर करूंगा, लेकिन वो व्लॉग आप इस वाले से पहले ही देख चुके होंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए सफ़र पे आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।